अभी एक डैश कहाँ से होता है, कॉर्नर से भी होता है। सेम थिंग हमने देखा कि कवर से भी एक डैश लगती है, तो सेम थिंग कॉर्नर से भी डैश लगता है। किस टाइप में लगेगा बोलो, राइडर कहाँ खेल रहा होगा तब ये डैश लगेगी। राइडर सेकंड या थर्ड नंबर में मूवमेंट कर रहा हो और वहां से आगे कॉर्नर जोन पे अटैक ले रहा हो, कहां पे कॉर्नर जोन पे अटैक ले रहा हो, तब ये कॉर्नर या कॉर्नर का सेकंड उसको डैश कर सकते हैं। सेम एंगल बनाते हैं उसमें भी, राइडर के पीछे निकल के शोल्डर के अंदर लेके उसके बाद उसके ऊपर रन करते हैं। राइडर जब अटेम्प्ट करता है तो उसके ऊपर एकदम से जोर से पावर देते हैं अपने शोल्डर से और उसके ऊपर वेट देते, तो राइडर कहाँ जाता है, अपने आप बाहर हो जाता है ग्राउंड में। देखो 1 2 निकल गया। अभी देखो इसके कितने स्टेप होंगे, 3 स्टेप होंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप जाना। 3 देखो, 4 देखो, अटैक हो रहा है उसका, हो गया। जैसे इसका मेरे को अटैक हो गया तो मैं क्या करेगा, इसके ऊपर लोड देगा, डैश करेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से मैं निकल दिया, यहाँ से इसको पकड़ लिया, बाहर निकल, देखो चला गया। 1 2 ठीक है, मैं कहाँ चला गया, आगे चल, आगे चल, आगे चल, इसके कहाँ आ गया, पीछे आ गया कि नहीं आ गया। अभी यहाँ से क्या करेगा, अटैक इसने यहाँ से बना लिया, यहाँ से क्या करता है ये मैक्सिमम राइडर, यहाँ से क्या करेंगे, रन करेंगे। यहाँ से इसने रन चालू किया तो इसके पीछे मैं भी रन चालू करूँगा, ठीक है। लेकिन इससे फास्ट मेरे को होना है क्योंकि ये अटैक मार के बाहर नहीं निकलना चाहिए, समझ में आया। रेडी अटैक, समझ में आया।